शिमला शहर के जंगलों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। लोग कूड़ा शहर के जंगलों में फेंक रहे हैं। अब जंगलों से कूड़ा साफ करने का नगर निगम द्वारा अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय लोगों को शामिल किया जा रहा है। शनिवार को नवबहार से राजभवन तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सेंट थॉमस स्कूल के छात्रों के साथ महापौर और उपमहापौर सहित पार्षदों और स्थानीय लोगों ने जंगलों में पड़े कूड़े को उठाया और इस दौरान दो बड़े टिप्पर जिसमें करीब 4 टन कूड़ा एकत्रित किया गया। स्कूली छात्रों ने इस दौरान शहरवासियों और पर्यटकों से शहर के जंगलों में कूड़ा ना फेंकने की अपील की। चलो ये बोरी वाले इधर अरे वहाँ आज हम लोगों ने बहुत सारा कचरा उठाया, तो उनमें से मोस्टली यहाँ पे बीड़ी सिगरेट्स और ड्रिंक्स के दारू एंड ऑल के पैकेट थे, बॉटल्स थे। तो हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसे फेंके ना, और जो भी लोग सामने से आते हैं गाड़ी से कुछ भी फेंक देते हैं, एंड बहुत सारा कचरा एनवायरमेंट में फेंक रहे हैं, बहुत अफेक्ट कर रही है हमारी सबकी लाइफ को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। यहाँ पर सफाई वाला एरिया है तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, लाइक नशे का हमें बहुत सामान मिला है। आजकल नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जैसे हमें काफ़ी सारी बोतलें मिली है। उसके अलावा बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जो कूड़ा यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ऐसे कूड़ा मत फैलाइए, क्योंकि हमारा जो शहर है शिमला, वो बहुत ही सुंदर जगह है और एक अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है, जहाँ पर काफ़ी सारी सुंदर जगह है और यहाँ पर लोग काफ़ी सारा कूड़ा फैलाते हैं ऐसे गंदगी का। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना। देखिए, हमारा ये एक अभियान है, पिछले लगभग एक महीने से हमने चलाया था। मैंने स्कूल्स को, सभी स्कूलों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली भी गया था, और हमने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे, बच्चों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, कि आप हमारे सफाई अभियान में हमारा सहयोग करें। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है आज। आज हमारे साथ सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे आए हैं, लगभग 45 बच्चे हैं, उनके टीचर्स भी साथ आए हैं। मैं उनका बड़े तय दिल से बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने, बच्चों ने इतना सहयोग हमारे साथ किया। इसके पीछे मंशा ये कि हर आदमी को सफाई की जिम्मेवारी समझनी होगी। मैं, आप देख रहे होंगे कि पहाड़ियों में इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, जो एक मैन मेड है, खुद लोगों के द्वारा फेंका गया है, किसी कोई बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन वो अपनी सिविक सेंस इसमें इतनी भी नहीं है कि हम जो हम खा रहे हैं उसको साथ ले जाओ। अगर आप यहाँ सैर सपाटा कर रहे हैं या घूम रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हो, उसको डस्टबिन में डालें बजाय इसके कि पहाड़ी में डालें। वो ये बच्चों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस कैंप भी कर रहे हैं कि इसके बीच में हम जंगली बेले और जो RCC की वॉल्स है, दीवारें हैं, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम ग्रीनरी लगाने का प्रयास करेंगे।